हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और एक बड़ा सवाल है जो हर मसाज थेरेपिस्ट के दिमाग में होता है, या फिर जो नया नया मसाज थेरेपिस्ट बनना चाह रहा है उसके दिमाग में होता है, यार अर्निंग कितनी की जा सकती है। तो ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इमीजिएटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मसाज थेरेपिस्ट में समझते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हैं कमाने के और कितनी अर्निंग की जा सकती है। तो मैं यहाँ पर रफली चार फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूँ। तो चारों फॉर्मूलों में सबसे पहला है जॉब, ताकि जब नया नया कोई स्पा थेरेपिस्ट बनता है तो वो जॉब के लिए अप्लाई करने का सोचता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि यार मैंने कोर्स तो कर लिया है लेकिन जॉब में कितना सैलरी मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज 15,000 से 25,000 रुपए सैलरी मिलता है, और आपको इंसेंटिव यानी कि टिप्स भी आप इतने ही बना लेते हो, 15,000 से 25,000। तो यानी कि आपकी जो जॉब की जो सैलरी होती है इन टोटल 50,000 रुपए तक हो सकती है। और यहाँ पर लेकिन आपको जो ऑफिशियली होता है वो 15,000 से 25,000 ऑन पेपर आपको यूजुअली मिलता है। ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, जितने भी स्पा सेंटर से हमारे पास इंक्वायरी आई है आज तक, तो हमने उनका एक एवरेज निकाला तो ये नंबर निकल कर आया। हालांकि इंडियन रेलवेज है जैसे, वो थोड़ा सा ज्यादा कमीशन पे करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी जॉब निकला था जहां पर 35,000 रुपया भी सैलरी था। अब आते हैं अब्रॉड के ऊपर। अगर आप अब्रॉड में जॉब करते हैं तो रफली अराउंड 50,000 से लेकर 80,000 रुपए तक का सैलरी होता है, और इतना ही रफली अराउंड आपको टिप्स में मिल जाता है, यानी कि 1,00,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आप अर्निंग इसके अंदर इजीली कर सकते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं। लेट्स से कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि यार मुझे तो फ्रीलांसर बनना है स्पा का, तो कितनी अर्निंग मैं कर सकता हूं। तो चलिए फ्रीलांसिंग के हिसाब से हम समझने का कोशिश करते हैं। तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऐसा कि आप नए नए पर्सन है, और एक दूसरा है कि आप थोड़े से पुराने हो गए, और एक तीसरा आपने कुछ अलग लेवल पर चले गए हैं। तो अगर कोई नया पर्सन है और जो मेथड हम उनको बताते हैं अगर उसके हिसाब से वो काम करता है, तो 30,000 से 40,000 रुपया दिन के 2 क्लाइंट करके वो इजीली कमा सकता है। क्योंकि अगर आपको इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आप अभी इमीजिएटली किसी ना किसी मसाज सेंटर में कॉल करें, या फिर गूगल पे सर्च करें कि मसाज थेरेपिस्ट पे, आप इंक्वायरी करिए भैया कितना चार्ज करते हो, तो आई थिंक आपको आइडिया मिल जाएगा। दिन के 2 क्लाइंट करोगे ना तो 30,000-40,000 से ज्यादा आप कर सकते हैं। अब लेट्स से कि आप थोड़े से पुराने हो गए हैं लेकिन आप नई चीजें सीखते जा रहे हैं, यानी कि क्लाइंट को लाना कैसे है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है वगैरह वगैरह, कुछ जो भी नई चीजें आप रेलेवेंट चीजें अगर सीखते चले जाते हैं, तो आप 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब आपने शुरू किया है और अब आप समझो 30,000-40,000 से शुरू किया और 1,00,000 तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं होता है। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आप कितना जल्दी सीखते हैं। और एक नेक्स्ट लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम क्रिएशन। बिकॉज स्किल सीखकर आप खुद ही स्किल लगा रहे हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है फ्रीलांसर के लाइफ में ताकि अब उसको सिस्टम बनाने की जरूरत है। अब जैसे ही वो पर्सन सिस्टम बनाना शुरू करता है तो नंबर वन उसका काम बहुत कम हो जाता है, नंबर टू सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, नंबर थ्री उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो हाई पेइंग क्लाइंट बन जाते हैं और आपको एक्चुअली ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां पर आप 1,00,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक की मंथली अर्निंग कर सकते हैं, वो भी सिंगल पर्सन, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो सिस्टम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है तो डेफिनेटली आपको हमारी कम्युनिटी में आना पड़ेगा जहां पर हम ये सिस्टम आपको बताते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जहां पर अगर आप मसाज सेंटर ओपन करते हैं तो मसाज सेंटर में भी हमारी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से कोर्स करके मसाज सेंटर खोला है वो 10,00,000 रुपया 1 साल में नेट प्रॉफिट अर्निंग कर चुके हैं। ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो महीने का 10 से 15 लाख रुपया बनाते हैं। अब वो जो बना पाते हैं इतना ज्यादा पैसा, उसके पीछे वजह एक ही है, ताकि उन्होंने मसाज सेंटर में भी हमारा सिस्टम अप्लाई किया है। तो सिस्टम बड़ा सिंपल है बट आपको उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं ये सिस्टम पर आपको जाना चाहते हैं और उसके ऊपर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको वेबिनार का हमारे लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट का जो पॉइंट आता है YouTube। अब YouTube का चैनल जो होता है यूजुअली फ्री होता है, ये तो कोई बिल्कुल आप सबको पता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर भी आप 10,00,000 रुपए तक का सालाना अर्निंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना कोई भी क्लाइंट किए। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है, नंबर वन, अभी इंडिया में कोई हिम्मत नहीं करता यूट्यूब के ऊपर मसाज के वीडियो बनाने के लिए, और तो अगर आप पहले इंसान वो बनते हैं डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अर्निंग इसके ऊपर कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में यूट्यूब के ऊपर मसाज थेरेपी के नाम से कोई नहीं है, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। अब यहां पर भी एक सिस्टम की बात आ जाती है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे जाते हैं
तो आपका ना बड़ा स्लो ग्रोथ होता है, आपको ना तो उतने सब्सक्राइबर मिल पाते, ना उतने व्यूज मिल पाते, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग की जरूरत होती है। और आपको ये लर्निंग भी हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं ताकि कैसे आप यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर ला सकते हैं, व्यूज ला सकते हैं। तो ये सारी लर्निंग आपको हमारे सिस्टम के जरिए मिलती है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये सारे के सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब अगर आप ऑलरेडी मसाज थेरेपिस्ट है, तब भी आपका ड्यूटी बनता है कि आप हमारी कम्युनिटी में आए। और अगर आप मसाज थेरेपिस्ट नहीं है, तब तो डेफिनेटली आपको आना ही है, क्योंकि अगर आप मसाज थेरेपी में इंटरेस्ट रखते हैं इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वेबिनार को अटेंड करें। देखिए वेबिनार टोटली फ्री है पहले 10 लोगों के लिए, तो इमीडिएटली अगर आप एक्शन लेते हैं तो वो वेबिनार में आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं। और एक बार आप वहां पर 1-1.5 घंटा हमारे साथ बिताएंगे, कोई पैसा देना नहीं है, एक बार सुनेंगे चीजों को, समझेंगे चीजों को, डेफिनेटली बात है कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। और वहां से आप डिसीजन ले कि आपको स्पा थेरेपी में जाना है या नहीं जाना है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।